अब हम स्कूल में हैं, जिससे कि देख सकते हैं यहाँ पर ये एक स्कूल है और यहाँ पर टीचर्स वगैरह हैं। आज हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले कब से है ये? ये 22 तारीख से कंटिन्यू चल रहा है। पहले जो है टेम्पररी हम लोगों ने बनाया हुआ था तो उसको जगह जगह में बदलना पड़ रहा था, लेकिन 22 से कंटिन्यू है ये, 22 जनवरी से। अच्छा, ये मानसिकता आई कैसे? ये मानसिकता हमारा संगठन जो पहले से ही शिक्षा पर काम कर रहा है जी जी। लेकिन आंदोलन को लेकर के हम लोग काफी चिंतित थे कि आंदोलन के लिए हम ज्यादा बेहतर क्या कर सकते हैं। तो महेंद्र यादव जी हैं संगठन से जुड़े हुए हैं और उन्होंने कहा कि निर्देश हम लोग ऐसा करते हैं कि एक स्कूल एक पाठशाला के नाम से हम इन बच्चों को कुछ देते हैं, हम लोग जाते हैं भाषण देते हैं एज ए लीडर और चले आते हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा। हम चाहते हैं वहाँ रहें और वहाँ कुछ ऐसा करके दें जो कि आंदोलन को और पूरा करता हो और आंदोलन की छवि को भी अच्छा करता हो। तो इन दोनों बातों पर हमने पाठशाला का विचार बनाया, क्योंकि जैसे आपने कहा हमें वही बात लगातार और मीडिया के इंटरव्यू में भी बोला है कि ये किसान गांव है, पूरा ये किसान गांव बस चुका है। एक गांव को एक शहर को पूरा करने के लिए आपने कहा शिक्षा स्वास्थ्य सड़क और यहाँ पर खाना मेडिकल स्टोर यहाँ सब कुछ है, बस एक स्कूल की कमी थी। तो हमने कहा लड़ो, लड़ाई चल रही थी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, पढ़ो भी, लड़ने के साथ साथ पढ़ो भी। इसी नारे को लेकर हम लोगों ने ये पाठशाला खोली और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। यहाँ पर किसानों के बच्चों के साथ साथ यहाँ गार्बेज बीनने वाले बच्चों की भी काफी संख्या आती है, तो हमने उनको भी अब पढ़ाना शुरू कर दिया। लगभग कितने बच्चे आ जाते होंगे यहाँ पर? यहाँ पर तो अब 70 से 80 बच्चे आ रहे हैं। 70 से 80 बच्चे? हमने दो शिफ्टों में बांटा है क्योंकि एक बार में हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, और जिस तरह से हमारे पास टीम थी टीम भी कम पड़ी। फिर गार्बेज बीनने वाले बच्चों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टीचर्स की जरूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा प्यार की सहन शक्ति की जरूरत पड़ती है, तो हमने फिर टीचर्स का भी स्टाफ बढ़ाया और बच्चों की संख्या तो लगातार बढ़ ही रही है। तो ये मतलब पेन पेंसिल वगैरह खुद मुहैया कराते हैं, मंगवाते हैं आप? हमारे पास सारा स्टेशनरी का सामान है। जो बच्चे गार्बेज वाले उनके पास तो देखिए कुछ भी नहीं है, उनके हाथ में तो कूड़ा है। कूड़ा हटाकर आपको किस तरीके से उनके हाथ में पेंसिल और कॉपी देनी है, ये एक एक, एक अलग टैलेंट है। बच्चे नहीं छोड़ना चाहते कूड़ा, क्योंकि उन्हें वहाँ से पैसा मिलता है, पढ़ाई करके उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। वो दिन भर में 400 रुपए की कबाड़ा बीन रहे हैं और जब यहाँ बैठेंगे तो उनका कबाड़ा भाई टाइम कटेगा, टाइम माइनस होगा। उनके गार्जियंस भी हमसे लड़ने आए कि आप ये क्या कर रही हैं, हमारे बच्चों को मत बिठाना। बच्चा रो रहा कि मैं तो पढ़ूंगा, लेकिन फिर हमने समझाया कि आप ये बताइए देने वाला बड़ा होता है या लेने वाला? बोली देने वाला ही होता है बड़ा। तो हमने कहा आप इनको देने वाला बनाना चाहती हैं लेने वाला? बोले कौन अपने बच्चे को चाहता कि देने वाला ना बने। तो हमने कहा कूड़े में तो जिंदगी इनकी यहाँ देने वाला नहीं बन पाएंगे, ये देने वाला बना ना तो बोर्ड पर नज़र लगानी पड़ेगी, कॉपी पेंसिल पकड़नी पड़ेगी, हमारी बात समझनी पड़ेगी। तो वो अब गार्जियंस आ रहे हैं, बच्चे बैठ रहे हैं टाइम से आकर के, तो बड़ा पैर छूते हैं और बच्चे बड़े साफ सुथरे होकर के आ रहे हैं। पहले बहुत मतलब मटीले कलर के कपड़े होते थे, कपड़ों का कलर नहीं पता था हमें क्या है, लेकिन अब खुशी हो रही है कि वो बच्चे नहा धो करके कॉपी पेंसिल जो हमने दिए वो लेकर आए। शुरू में हालांकि बहुत सारी स्टेशनरी हमारी ख़राब गई क्योंकि वो फाड़ देते थे रोज, उनको उसकी केयर नहीं थी कि इससे कितनी बड़ी जो है परिवर्तन की ओर जा रहे हैं, लेकिन अब जो है संभाल के रखने लगे हैं। टोटल स्टेशनरी का सामान हम लोग मुहैया कराते हैं यहाँ से और हमारे टीचर उनको दो शिफ्टों में पढ़ा रहे हैं। जो किसानों के बच्चे हैं उनके पास तो अपना कोर्स है, उस लेवल के उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन जो गार्बेज वाले बच्चे हैं उनको जीरो से लेकर शुरू करना पड़ेगा। पहले तो उनको व्यवहारिक ज्ञान बता रहे हैं कि बेटे बैठना कैसे है, क्योंकि वो आपस में लड़ते नोचते खसोटने वाले बड़ा मतलब उनको मेंटेन रखना, वो लाइन ही बनाकर नहीं बैठ सकते, एक आदमी लाइन बनवाने पर ही रहता है। कॉपियाँ अगर छीन ली तो फाड़ लेते हैं कि मेरी है मेरी करके, और रबड़ पेंसिल मतलब डेली का हम लोगों का इतना स्टेशनरी ख़राब होता है कि वो लोग उसको समझते नहीं कि इसकी केयर करनी भी, तो हम वही चीज़ें सिखा रहे हैं। मतलब व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ अक्षर ज्ञान ही अभी चल रहा है। अच्छा, आपको लग रहा है कि जो आपकी मेहनत है, आप लोगों की पूरी टीम वर्क है जो बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट निकल के आ रहा है? देखिए, उसका रिजल्ट ये आ रहा है कि बच्चे यहाँ से हमने केवल 12 बच्चों से स्टार्ट किया था और आज 80 बच्चे हैं। ये अगर आंदोलन खत्म भी हो जाता तब भी हम के इनके नियरेस्ट जो स्कूल हैं उनमें बात करेंगे, जियो के तहत इनके एडमिशन कराएंगे, और जो बच्चे बहुत ही मेधावी हैं उन बच्चों को हम गोद लेंगे हमारी संस्था के तहत और उनकी पूरी पढ़ाई का जिम्मा हम लेंगे। अमीर का बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेगा, वो कहाँ से कंप्यूटर पढ़ रहा है? गरीब का बच्चा प्राइमरी में पढ़ेगा, वो कहाँ से कबूतर पढ़ रहा है? तो वो तो कबूतर के सपने देखेगा, ठीक है। वो कंप्यूटर पढ़ रहा, वो कंप्यूटर चलाने के सपने देखेगा। वो हाथ से हेलीकॉप्टर पढ़ रहा है अमीर का बच्चा, और गरीब का बच्चा जो हाथ से हल पढ़ रहा है, तो वो क्या करेगा?
उसे लग रहा है मुझे तो पढ़ के भी यही करना है। उसकी विचारधारा वहीं पर रोकती गई है। और प्राइमरी स्कूल में कहा गया भी आप 8वीं तक आपको जो एग्ज़ाम नहीं देना है। जब आप बच्चे की कंपटीशन की भावना ख़त्म कर रहे हैं तो बच्चा क्यों आगे बढ़ने की कोशिश करेगा? आप ही बताइए, जब हमारा कंपटीशन होता है किसी के साथ तो हमारी गति तेज़ हो जाती है, हमारा दिमाग तेज़ी से काम करता है, हमारा शरीर उसी फुर्ती से काम करता है। तो सरकार तो खुद ही नहीं चाहती, सरकार की नीतियाँ अमीर को अमीर और गरीब को गरीब कराने की हैं। तो सरकार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो गलत है, समान शिक्षा होनी चाहिए। किसी नेता का बच्चा पढ़ता है, किसी MLA MP का बच्चा पढ़ता है, किसी मंत्री का बच्चा पढ़ता है, किसी IAS का बच्चा पढ़ता है। आप दूर मत जाइए, जो टीचर वहाँ पढ़ा रहा है क्या उसका खुद का बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है? तो ये स्कूल किसके लिए खोले गए फिर? अरबों खरबों रुपया ये लोग जो है फालतू के कामों में खर्च कर देते हैं, जिनका कोई गिनती भी नहीं होता, जिनका कोई कोरोना के समय में इन्होंने कोई तादाद नहीं जिसका इन्होंने डोनेशन लिया, और उसका बजट क्या रखा? 0। लोगों से पैसा ले रहे हैं वैक्सीन का भी। तो इन लोगों को तो खुद ही जो है चाहत नहीं है कि गरीब पढ़े, क्योंकि जब गरीब पढ़ेगा ना तो उसकी बुद्धि जागेगी, और जब उसका बुद्धि विवेक काम करेगा तो वो सवाल करेगा, और वो चाहते नहीं कि सवाल करे, वो केवल वोटर बने रहे। और गरीब बच्चे पैदा करे, वोटर बनाए और मजदूर तैयार करे। धन्ना सेठों की फैक्ट्रियों में कंपनियों में जाकर वो पूंजीपतियों की यहाँ पर के मजदूरी करे, इनका कूड़ा साफ करे, इनकी सफाई करे, और अमीरों के बच्चे इन पर राज करें। केवल 4 लोगों के हाथ में देश को देने की तैयारी कर रही है हमारी सरकार। अडानी अंबानी देश को चलाएंगे, बाकी लोग क्या करेंगे? यहाँ क्या इस देश के अधिकार सिर्फ अडानी अंबानी को हैं? उनके बच्चे इस देश की धन संपत्ति पर कब्जा कर करके वो दुनिया के सबसे अमीर बच्चे बनेंगे, और इसी देश का दूसरा बच्चा इस देश की सबसे गंदी नाली में जा करके इनका फेंका हुआ कूड़ा उठाएगा? ये व्यवस्था गलत है। जो हमारे देश की शिक्षा नीति है वो गलत है। 7% बजट फिर से शिक्षा का इन्होंने कम कर दिया, और सबसे ज़्यादा ये लोग 2 चीज़ों पर पड़े हुए हैं इस समय पीछे, शिक्षा और कृषि, दोनों को बर्बाद करने पर लगे और हम दोनों को बचाने पर लगे हैं। स्कूल में पढ़ाते हैं, क्या क्या पढ़ाते हैं जी? मैं इस स्कूल में अभी बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ, जिस बच्चे को जैसे बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं ABCD 1-2, उसको अभी संडे मंडे मंथ्स नेम, और उनको स्टोरी पोएम, तो एक मॉरल भी पढ़ाते हैं। यहाँ पे जैसे बच्चे बीनते हैं तो बच्चे हैं, चंचल हैं, वो व्यवहार मतलब उनकी परिस्थितियाँ घर की अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे शरारत भी करते हैं, तो उनको बताते हैं बेटा यहाँ सबको परेशान मत करो, वो हमसे आके बोलेंगे, चोरी नहीं करनी चाहिए बच्चों को, अच्छे बच्चों को चोरी नहीं करनी चाहिए, आप देश का भविष्य है, आप देश कहते हैं हम रक्षा करेंगे देश की, हम पुलिस बनेंगे, हम फौज में जाएंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, तो अच्छे बच्चे जब इतना देश के लिए करेंगे तो क्या चोरी करना अच्छी बात है? तो बच्चे फिर करते हैं, तो ये व्यवहारिक शिक्षा की भी हम देते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि एक मानसिकता बनी पड़ी है स्कूल में 8 घंटा देना, उससे अच्छा 4 घंटे बोतल उठाना, पैसे उससे ज़्यादा कमाना, जब फ्यूचर में कमाना ही है, फ्यूचर में पकौड़ा तलना ही है, तो पढ़ के फ़ायदा क्या? देखिए, पढ़कर अगर आप कहें कि पढ़कर करना क्या, पकौड़ा तलना, तो पढ़ना ज़रूरी नहीं है कि पढ़ना जॉब के लिए ही पढ़ा जाए, नैतिकता के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, अपने अधिकारों को जानने के लिए, देश की रक्षा के लिए, एक दूसरे के सम्मान के लिए, इंसानियत के लिए, ये सारी चीज़ें जो व्यवहारिक नॉलेज है वो बिना शिक्षा के नहीं आती है, तो शिक्षा इसलिए भी महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा इसलिए कि जातिवाद को कम कर सके। बिल्कुल, जब लोग आज देखिए लोग जागरूक होंगे, ये तो भाईचारा बढ़ाना चाहते हैं लोग, लेकिन जब जिनके हाथ में सत्ता है वो सत्ता को बनाए रखना चाहते हैं, उनके पास सिर्फ एक ही हथियार है, जाति और धर्म, डिवाइड एंड रूल। आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, कहीं ना कहीं उनको पढ़ने की आदत लग चुकी है, अच्छा बनना चाह रहे हैं, आंदोलन खत्म, आप चले गए, अच्छाई वहीं रुक गई। बिल्कुल नहीं सर, अगर हम यहाँ टिके हैं तो हम ये जानते हैं कि हमारे जाने के बाद बच्चों का क्या होगा, तो इसके लिए हमने क्या किया है, बच्चों का हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स के पास जाएंगे, और जाने के बाद अच्छे अच्छे बच्चों का हम सिलेक्शन कर रहे हैं, अपने मतलब अलग एक लिस्ट बना रहे हैं उनकी, उसके बाद जो नियर बाई गवर्नमेंट स्कूल है सरकारी उनमें उनका एडमिशन कराएंगे, और प्राइवेट स्कूल में जो 25 उनका कोटा होता है रिजर्वेशन, उसके तहत हम फाइट करेंगे, उसमें भी सीटें बिकती हैं, लोग बेच देते हैं, गरीब लगा देते हैं, तो उसमें भी हम फाइट करेंगे, उसका RTA के खुलासा करेंगे। तो ये लड़ाई यही नहीं है शिक्षा की लड़ाई, हम राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा की लड़ाई है। आप कहेंगे कि यही समा हम आंदोलन समाप्त तो बच्चों का भविष्य समाप्त, ऐसा नहीं होगा, यहाँ आएंगे और आते रहेंगे सेलेक्टेड बच्चों के लिए। ABCD लिख रहा है। तो देखिए, बच्चे यहाँ पर पढ़ना चालू कर चुके हैं, पहला दिन है, और भी नया बैच स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं कि नया बैच स्टार्ट करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं मानसिकता ये है कि अगर शिक्षा बढ़ेगा तो देश अपने आप सुधरेगा।